दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज दिखाते हैं हम लोग करते क्या हैं। काफ़ी लोगों का मैसेज आता है, कमेंट आता है कि भैया आप क्रोशिया में क्या काम करते हैं। कोई बोलता है गाड़ी चलाते हैं, कोई बोलता है सुपरवाइजर हैं, कोई बोलता है कि हाँ, ऐसे बहुत से कमेंट आते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। पर आज हम दिखाते हैं क्या कर रहे हैं और क्रोशिया के अंदर और क्या काम करते हैं हम लोग। वैसे तो वर्कर हैं और यहाँ पे काम करते हैं। देखिए हाथ कैसा हो गया है, चेहरा भी कैसा हो गया है। और थोड़ा आज गर्मी का माहौल है और गर्मी का समय भी है, तो हमारी टीम जो है कि काम में लगी है। ठीक है, तो हमारी टीम जो है कि काम में लगी है, काम कर रही है और हम भी काम कर रहे हैं साथ साथ में। तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोग क्रोशिया में क्या काम करते हैं और कैसा हमारा वर्क है। तो आप लोग वीडियो बने रहिए और देखते रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और क्रोशिया के बारे में सटीक और सही जानकारी मिल सके। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, हम दिखाते हैं क्रोशिया के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों। तो दोस्तों ये आज का हमारा काम है। देखिए हमारे दिनेश भाई जो है लगे हैं और टाइल लगा रहे हैं। तो इधर इतना टाइल लगा हुआ है और जो है कि ये देखिए ये सब टाइल लगा रहे हैं हम लोग टेरिस पे यानी छत के ऊपर। और जो है कि पूरा वहाँ तक है, काफ़ी दूर है, 100 स्क्वायर मीटर एरिया है और एक ही दिन का काम है। और इधर परतबुआ लगा रहा है, ये सब टोटल आज ही काम है लगा हुआ है। एक दो मिस्त्री इधर लगे हैं और जो है कि दो मिस्त्री इधर लगे हैं, मैं और दिनेश भाई। तो टारगेट है हमारा ख़त्म करने का, इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि फ्राइडे शनिवार और संडे छुट्टी है होली का। इधर भी हम लोग होली मनाएंगे। और इधर से देखिए व्यू क्रोशिया का कितना सुंदर दिख रहा है ना। तो ये बिल्डिंग देखें कितना सुंदर दिख रहा है। आज बादल छाया हुआ है, ऐसे लगता है कि बारिश आएगी। और जो है कि अब धीरे धीरे पेड़ों पत्ते आ रहे हैं। तो आज ये टारगेट हमारा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद चलेंगे कल और काम करेंगे। उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे शनिवार तो 2-3 दिन छुट्टी है हमारा। तो इतना और बचा है हमारा ये यहाँ से यहाँ तक लगाने का, ये सब लगाएंगे और ख़त्म करेंगे। जो लगी हुई हैं पूरा हम लोग का लगाया हुआ है। और इधर देखिए ये सब भी लगाया हुआ है, ये सब जो है कि लगाया हुआ है और अंदर भी लगाया हुआ है। ख़त्म हो चुका है काम अधिकांश और ये बिल्डिंग फाइनल पे चल रही है। थोड़ा बड़ा है, सफाई बाकी है और लिफ्ट आ गई, चलते हैं लिफ्ट के अंदर। तो दोस्तों हम लोग जो है कि यहाँ पे टाइल से काम करते हैं और टाइल से काम भरपूर है। जो भी टाइल से काम करने वाला बंदा है उसके लिए क्रोशिया बहुत अच्छी जगह है, वो क्रोशिया में आके काम कर सकता है टाइल्स का। तो दोस्तों आज का काम तो ख़त्म हो गया और पूरा काम कंप्लीट कर दिया और अब चलेंगे रूम पे और जो है कि तैयारी करेंगे खाना वाना बनाने का, खाने का मार्केट भी करना है। तो काफ़ी लेट हो जाता है यहाँ पे शाम के टाइम खरीदारी दौरी करने में। तो आज का तो ड्यूटी हो गया हमारा, टाइल्स का काम ख़त्म हो गया, ख़त्म करने के बाद कल से फिर दूसरा जगह काम करेंगे। हम लोग का सिलसिला ऐसे चलता रहता है, अगर यहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट पे जाते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि एक ही जगह है हमारा, एक हफ्ते के अंदर कई जगह हो जाता है, एक से दो जगह, दो से तीन जगह भी हो जाता है। तो महीने में तो कोई वो ही नहीं है कि हम कितने जगह काम करते हैं। ठीक है, कितने जगह काम करते हैं तो मतलब 2 दिन यहाँ, 2 दिन वहाँ, 4 दिन वहाँ, ऐसे ऐसे चलता है हमारा। हम लोग काम करते रहते हैं और गाड़ी को जो है पार्क लगा दिया हूँ। उसके बाद जो है कि चलते हैं मार्केट, मार्केट से कुछ खरीदारी करते हैं और खाना वाना फिर बनाने की तैयारी करते हैं। तो थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे कंपनी जो हमको
फूड पे करती है, यानी कि पैसे देती है, हम लोग बना राशन लाके अपना बनाते हैं और खाते हैं, तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे। बस आदमी का एक बार सेटल होना चाहिए, एक बार सेटल हो गया यहाँ पे तो बल्ले बल्ले हैं। बस आप लोग से रिक्वेस्ट हमेशा ही है मेरा कि आप लोग जो है कि जेन्युइन तरीके से आए और सही कंपनी में आए, सही वर्क परमिट में आए, ओपन वर्क परमिट में मत आइए, क्योंकि ओपन वर्क परमिट सही नहीं होता है और आके बंदे फंस भी जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ख़त्म करते हैं आज का यहीं पे वीडियो, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। ओके, नमस्कार।